I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time. दिख रहा हूँ आप लोग को गंदा, लेकिन ये सब काम करने में मुझे तो भाई पर्सनली बहुत मजा आता है। ये कंप्यूटर के सामने बैठने का तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। What a lovely weather! और लवली वेदर मैं क्यों बोल रहा हूँ? लवली वेदर इसलिए क्योंकि करंट हमारे पीछे है और आज हमें जाना है ये पैलेस टैंक, जो मेरे क्रू ने खोल के रखा है, रेडी कर रहे सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पे रख रहे हैं। और बैलेंस टैंक में जब अंदर हम जाते हैं और जब भी हम बैलेंस टैंक में जाते हैं तो अंदर होती है बहुत सारी गर्मी, तो ये जो बारिश वारिश है और ठंडी का मौसम है ये बहुत अच्छा है। Am I forgetting something? Yes, proper PP, always. ओके, ये जो बीच में है हमारे कार्गो टैंक्स है और साइड में हमारे बैलेस्ट टैंक्स होते हैं, ये साइड में यू शेप में सेंटर लाइन तक जाते हैं। तो अभी इनका इंस्पेक्शन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लोडेड पैसेज है। यहाँ से हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो खराब हो जाए क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ इसके बाद इंट्रिंसिक सेफ कैमरा, क्योंकि हम लोग लोडेड हैं डीजल ऑयल हैजार्डस फ्लेमेबल कार्गो से। ऑफ कोर्स टैंक्स आर इनर्टेड, मगर डेक पे इंट्रिंसिक सेफ कैमरा ही अलाउड होता है। प्रेजेंट रेगुलेशन में ये नहीं है कि आपने बैलेंस डायरेक्ट लिया और डायरेक्ट पानी में डाल दिया, किसी भी कंट्री में लिया, किसी भी कंट्री में डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास होता है बैलेंस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। क्या होता है कि पानी हम टैंक में लेने से पहले उसको एक ट्रीटमेंट सिस्टम के थ्रू पास करते हैं, उसमें होता है एक फिल्टर जो कि उसको क्लीन कर देता है और उसके बाद वो यूवी ट्रीटमेंट करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है। सेम जब ये पानी टैंक से हम वापस दूसरे कंट्री में समुंदर में डालते हैं तो हमें इसको फिल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इसको यूवी ट्रीटमेंट से वापस से पास करना ही पड़ता है। सो बेसिकली जब बैलेंस पंप चला के हम पानी लेते हैं तो वो आता है इस रूम में और ये है हमारे दो फिल्टर जो कि टाइम एंड अगेन इनको क्लीन करना पड़ता है। तो आज वही काम चल रहा है, यहाँ पे सारा स्पैनर देख रहे सब खुला पड़ा है। ये दो फिल्टर को यहाँ पे क्लीन किया जाएगा और इसके बाद ये फिल्टर के थ्रू पास जाने के बाद ये यूवी लाइट का यूवी का चैम्बर होता है। गो डाउन, आपको नीचे से दिखाता हूँ मैं। तो ये वही फिल्टर है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया और फिल्टर के थ्रू पानी क्लीन होके आएगा और उसके बाद ये जाएगा इधर यूवी चैम्बर में, जहाँ पे कि इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाएगा। उसके बाद ही ये टैंक में जाएगा और सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम इस पानी को टैंक से समुंदर में निकालेंगे, मतलब डीबैलेंस करेंगे। बट उस टाइम पे हम चाहे तो सिर्फ हमें यूवी चैम्बर से इसको पास करना है, फिल्टर के थ्रू पास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। बेसिकली क्या होगा कि ये वेल शट रहेगा उस टाइम पे डीबैलेंसिंग के टाइम पे और पानी सिर्फ यूवी चैम्बर के थ्रू जाके बाईपास हो जाएगा। मतलब इन जनरल डिटेल में तो नहीं जाएंगे मगर एक समझाता हूँ, ये सीचेस से बाहर से हमने पानी लिया, पंप चलाया, पंप के थ्रू फिल्टर में लिया, फिल्टर किया, उसको क्लीन किया, यूवी चैम्बर के थ्रू पास किया और टैंक में लिया। सेम जब डीबैलेंस किया, टैंक से पानी लिया, पंप के थ्रू लिया, फिल्टर को हमने बाईपास कर दिया और यूवी चैम्बर के थ्रू पास करके ओवरबोर्ड से समुंदर में डाल दिया। अब मैं आ गया हूँ अपने पोर्ट साइड के मिडशिप स्टोर में। हमारा क्रू रेडी कर रहा है, मैनुअल वगैरह खोल रहा है, हम सेफ्टी चेक्स वगैरह करेंगे और थोड़ा सा टाइम है, तब तक आपको ये स्टोर दिखा देता हूँ मैं। तो ये हमारा पोर्ट साइड का मिडशिप स्टोर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सैंपल लॉकर है, यहाँ पे हम हमारे कार्गो के सैंपल, बंकर के सैंपल, वो सब सेग्रीगेट करके प्रॉपरली रखते हैं। सिंपल बोले तो ऑयल स्पिल इक्विपमेंट, ऑयल स्पिल अगर हो जाए तो उससे डील करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सब चीज़ें। सो यहाँ पे बनी हुई है रेल फॉर चेन ब्लॉक ताकि कोई हैवी सामान आपको निकालना पड़े, और वो हैवी सामान क्या है, वो हैवी सामान है ये इतने सारे छोटे छोटे पाइप के टुकड़े जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मैनिफोल्ड के रिड्यूसर्स। यहाँ पे मैनुअल खुल चुका है, दूसरा मैनुअल आगे क्रू लगा हुआ है खोलने के लिए। सारा टैंक को खोला जाएगा, इसका वेंटिलेशन किया गया है। इस बंदे को बोला गया, ये है हमारा डेक कैडेट, और इसको बोला गया है कि भाई
बराबर से गैस वैस चेक कर। तो अभी देखो ये लंबी सी होस अंदर डालेगा, गैस मीटर चेक करेगा। वी हैव टू इंश्योर कि हाइड्रोकार्बन या कोई भी गैसेस नहीं है टैंक में, जीरो है, ऑक्सीजन 20.9 है। उसके बाद ही एंट्री मारेंगे और एंट्री को अकेले नहीं जा सकता। जब आप टैंक में जाते हैं तो आपको किसी ना किसी को लेके जाना पड़ता है, अच्छी खासी अपने पास लाइट भी रखनी पड़ती है। ये यहाँ पे हमारा बैलेस्ट टैंक में पंप है। बेसिकली ये पंप इस टैंक का नहीं है, पूरे बैलेस्ट सिस्टम का है। दो पंप होते हैं, एक पोर्ट साइड एक स्टारबोर्ड साइड में, और इसी से हम लाइनअप वगैरह चेंज करके वैल्व वो सब करके यू नो किसी भी टैंक से सक्शन ले सकते हैं या किसी भी टैंक में बैलेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप हाइड्रोलिक का इसका इनलेट और रिटर्न लाइन एंड एयर का कनेक्शन एंड जो कुछ भी उसको चलने के लिए चाहिए वो सब कुछ है। पंप एक्चुअली टैंक में काफी नीचे लोकेटेड है। और मेरे हेलमेट पे लग चुकी है यहाँ पे ये इंट्रिंसिक सेफ लाइट, और हेलमेट पे रहती तो अच्छा रहता, आपके हैंड्स दोनों फ्री रहते हैं। हमारे होनहार डेक कैडेट ने टैंक का गैस तो चेक किया विद अ गैस मीटर, मगर ये है पर्सनल गैस मीटर। पर्सनल बोले तो इसको हम अपने साथ ऐसे लगा के रखते हैं ऐसे यहाँ पे, और टैंक में जाते हैं ताकि टैंक में कभी भी कोई हैजार्डस एटमॉस्फेयर अगर एनकाउंटर हो तो ये ऑटोमेटिक हमें अलार्म दे देगा, और अलार्म देते ही हम बाहर आ जाएंगे। इसमें देखेंगे तो ये चेक कर सकता है H2S कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन LEL ऑक्सीजन। अभी इसमें देखेंगे तो 23% दिखा रहा है, फ्रेश एयर में इसको 20.9 दिखाना चाहिए, तो इसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे। हाँ जी, तो जब आप बैलेस्ट टैंक में होंगे तो आपको अपना ओरिएंटेशन ध्यान रखना है कि आप कौन सी साइड से गए हैं, शिप का फॉरवर्ड कौन सा है, आफ्ट कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, स्टारबोर्ड। तो इस आप ओरिएंटेशन अपना लॉस नहीं करेंगे। जब नीचे जाएंगे तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट बराबर बना के रखिए, लैडर पर बहुत केयरफुल रहिए क्योंकि बैलेस्ट टैंक होता है गीला, उसमें होता है मड और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो सकता है। और इस हमारे इस टैंक में है 4 प्लेटफॉर्म, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे एकदम अंधेरा हो जाएगा, और ये है अबाउट 18 एंड हाफ मीटर डीप। बैलेस्टेक इंस्पेक्शन में आपको मेनली देखना है कि कहीं पर डेंट वेंट तो नहीं है, कहीं टग ने मारा है, कहीं कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा एरिया जहाँ पे कि रस्ट हो गया हो, पेंट पील ऑफ हो गया हो, या कोई भी अनयूजुअल चीज़। यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा सा शाफ्ट, वही जो कार बैलेस्ट पंप मैंने जो आपको डेक पे दिखाया उसी का ये शाफ्ट है, पूरा नीचे तक जा रहा है। इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक लाइन्स है, हाइड्रोलिक लाइन्स वगैरह जो जितने भी कनेक्शन उसको चाहिए वो सारी चीज़ें एकदम टैंक के नीचे जा रही हैं। अब मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो सी है, इस बल्कहेड के पीछे समुंदर है, और ये हमारा ओवरबोर्ड वैल्व है क्योंकि ये ऊपर से समुंदर में जा रहा है तो इट हैज़ टू बी ओवरबोर्ड वैल्व, और इससे बैलेस्ट को डीबैलेस्ट किया जाता है। बेसिकली जो पानी है इस टैंक में उसको बाहर निकाला जाता है, और इसको सामने इसको जो बोलते हैं इसको मैन होल, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं अंदर बाहर जाने के लिए। अगर कॉर्नर पे आप नीचे देखेंगे तो छोटे छोटे होल हैं, उनको बोलते हैं लाइटनिंग होल, और साइड में आप देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर। जैसा आप लोगों को बताया कि टैंक में होता है बहुत सारा मड, तो आपको सी बूट वगैरह अच्छे से पहन के जाना चाहिए, स्लिपरी होता है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। इस टैंक की बात करें तो जहाज नया है, कुछ भी रस्ट नहीं है अभी तक टैंक में, सब कुछ चकाचक और एकदम मस्त। फिलहाल मैं खड़ा हूँ सेकेंड प्लेटफॉर्म पे, ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म, और नीचे है एक थर्ड प्लेटफॉर्म, और उसके बाद है एक बॉटम प्लेटफॉर्म। तो इस टैंक में है ऑल इन ऑल टोटल 4 प्लेटफॉर्म। अब मैं आ गया हूँ एकदम बॉटम में, और बॉटम में भी मैं बैलेस्ट टैंक में हूँ साइड वाली जगह में, बेसिकली आउटर शेल प्लेटिंग और जो हमारी इनर शेल प्लेटिंग होती है वहाँ पे हूँ। तो देखेंगे तो ये बैलेस्ट पंप की शाफ्ट आ गई, पूरा नीचे इसके अंदर होगा बैलेस्ट टैंक का इम्पेलर, और हर जगह लगा हुआ है प्लेटफॉर्म ताकि आप लोग बराबर वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह का काम कर सके। अभी इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर दिख रहा है आपको, तो फिल्टर जिस भी साइड होता है वही होता है पंप का सक्शन वाला साइड, तो पानी आएगा नीचे से और
सक्शन से जाएगा बैलेस्ट के अंदर। ये शिप का एकदम बॉटम है, इसके नीचे है समुंदर और बॉटम है तो ये है सी चेस्ट, यहीं से पानी आता है। मतलब जो बाहर से समुंदर से पानी हमें लेना होता है वो हम यहीं से लेते हैं। इधर देखेंगे दो दो वैल्व लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए, अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह करना पड़े तो एक वैल्व शट रहेगा और दोनों वैल्व हाइड्रोलिक है, आराम से ऊपर से CCR से हमारे ऑपरेट होते हैं। इस सीचेस के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा सामान, इसको बोलते हैं इडक्टर। एक लाइन है हमारी फायर की लाइन आएगी, इसको ड्राइव देगी और डिस्चार्ज जा रहा है। और इस तरफ देखेंगे तो वेंचुरी इफेक्ट है, लाइन इस तरफ मोटी है उधर पतली है, तो वेंचुरी इफेक्ट से वो सक करती रहती है। तो बैलेस्ट टैंक का लेवल जब एकदम कम हो जाता है और हमारा मेन पंप अच्छे से सक्शन नहीं ले पाता तो हम इडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे फिल्टर लगा है, मतलब यही है सक्शन साइड। अब हम आ गए हैं इस 5-पोर्ट बैलेस्ट टैंक के एकदम आफ्ट साइड में। आफ्ट साइड में ये लाइन जा रही है बैलेस्ट की, देखेंगे तो बल्कहेड से दूसरे टैंक में जा रही है। इसके पीछे हमारा 6-पोर्ट बैलेस्ट टैंक, और ये जो आप वैल्व देख रहे हैं ये 6-पोर्ट टैंक का वैल्व है, मगर दिया है 5-पोर्ट में ताकि अगर इस वैल्व में कुछ लफड़ा हो और 6-पोर्ट टैंक हमारा पूरा भरा हो तो फिर भी हम इस वैल्व को एक्सेस कर सकते हैं 5-पोर्ट टैंक से और उसको ठीक कर सकते हैं। तो सारे बैलेंस टैंक में यही डिज़ाइन है, जिस टैंक का वैल्व होता है वो एक्चुअली में उसका लोकेशन दूसरे बैलेंस टैंक में दिया जाता है। अब हमारा तकरीबन सारा इंस्पेक्शन हो गया है, अब मेनली हमें बस बेलमाउथ देखना है इस टैंक का, 5-पोर्ट का बेलमाउथ और उसके वैल्व की फिटिंग्स वगैरह। अभी तक मैं था बैलेंस टैंक के शिप साइड वाले स्ट्रक्चर में, अब मैं आ गया हूँ DB में। यहाँ पे आप देखेंगे तो टैंक सीधा प्लेन जा रहा है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम एरिया। ये टैंक का सारों का शेप है यू जैसा और सेंटर लाइन में ये डिवाइडेड है पोर्ट स्टारबोर्ड में। तो DB में क्या है कि हमारा शिप अच्छा खासा बड़ा है, 50,000 डेडवेट का है, तो यहाँ पे आप सीधा खड़े हो सकते हैं। नहीं तो आप छोटे शिप में अगर इंस्पेक्शन करने जाएंगे DB में तो आप सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। टैंक वेल का सिस्टम मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ भी देख लीजिए 5 का कोई वेल नहीं है, खाली बेलमाउथ है क्योंकि वेल्व 6 में दिया हुआ है। तो भाई शिप कंस्ट्रक्शन वाले लोग बड़े हैं स्मार्ट। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये क्रॉसओवर वेल्व दिया हुआ है, बेसिकली अगर एक साइड का पंप खराब भी हो जाए तो आप दूसरे साइड का पंप यूज करके दूसरे साइड का बैलेंस का काम कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर 5-पोर्ट टैंक में जो पोर्ट साइड का हमारा पंप है वो खराब हो जाए तो भी हम स्टारबोर्ड साइड के पंप से पोर्ट साइड के टैंक का काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बेलमाउथ को हमेशा अच्छे से चेक किया जाता है। वैसे तो इसके अंदर होता है एक एक्स्ट्रा प्लेटिंग, लाइक अ डबलर प्लेट, एक्स्ट्रा मोटी थिक प्लेट दी होती है क्योंकि यहीं से पूरा यू नो एजिटेशन होता है, पानी अंदर बाहर जाता है, तो यहाँ पे पिटिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। एज अ ट्रेनी, एज अ कैडेट हमेशा ऐसा सब कुछ स्पेशल काम होता है जहाज पे, तो क्वेश्चंस पूछा करो, आँख कान सब खुला रखा करो और अपने मैक्सिमम सीखा करो। अब आप देख रहे हैं बैलेंस टैंक की भूतिया गली। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग की हुई है, तो दो अपने वेबिंग्स वगैरह पास में दिए हैं। दोस्तों अभी हम सीढ़ी चढ़कर, ये वाली सीढ़ी चढ़ के बैलेंस टैंक में ऊपर आ गए हैं, और जबकि हम थे डीबी में, तो डीबी के ऊपर तो था भाई कार्गो टैंक, लेकिन हम आ गए हैं 5-पोर्ट टैंक के एकदम आगे और यहाँ पे सीढ़ी दी हुई है ऊपर आने के लिए। इसको कहते हैं लोअर स्टूल स्पेस, ऐसे ही हमारा ऊपर भी स्टूल स्पेस होता है। बेसिकली ये सेपरेशन है, यहाँ पे हमारा हो गया नंबर 4 COT, इस बल्केड के पीछे पूरा कार्गो भरा हुआ है गैस ऑयल, और यहाँ पे 5 COT, 5-पोर्ट COT, यहाँ पे भी गैस ऑयल भरा हुआ है। और ये जो शेप देख रहे हैं कार्गो टैंक में नीचे बॉटम में, ऐसा ही शेप होता है, और उसी के अंदर वाले एरिया में हम लोग हैं। इसको कहते हैं, फिर से बोलता हूँ, क्या कहते हैं? लोअर स्टूल स्पेस। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों आज का काम खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, स्टे फिट। जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गंदा लेकिन ये सब काम करने में मुझे तो भाई पर्सनली बहुत मजा आता है। ये कंप्यूटर के सामने बैठने का तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आज का तकरीबन वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा ही करेंगे, लंच टाइम हो गया। चलो मेरा मतलब था कि वर्कआउट कम करेंगे, खाना तो पूरा खाएंगे भाई।